हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ टैरो डेक के सेकंड कार्ड की बात करेंगे। टैरो डेक का जो सेकंड कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टैरो डेक का सेकंड कार्ड है हाई प्रिस्टिस। द हाई प्रिस्टिस एक ऐसा कार्ड है जो सीक्रेट को शो करता है। इसमें पिक्चर में आप देखेंगे कि एक लेडी है जो सिंहासन पर बैठी हुई है, बट उसने कपड़े सफ़ेद रंग के पहने हुए हैं, जिससे ये जजमेंट करना मुश्किल होता है कि वो एक रानी है। हालांकि हाई प्रिस्टिस के जो पीछे का थ्रोन है जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है, जिससे यह पता चलता है कि इस लेडी के पास बहुत सारा पैसा है, शोहरत है, यह हर प्रकार से समृद्ध है, बट ये लेडी किसी प्रकार से दिखावा नहीं करती। इसको देखकर कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि इस लेडी के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि ये लेडी थोड़ी सीक्रेटिव है, इसलिए इसको जज करना बहुत मुश्किल है। आप पिक्चर में देखेंगे कि दोनों तरफ पिलर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक पिलर ब्लैक कलर का है और दूसरा वाइट कलर का है, जिसका अर्थ है कि एक अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा लाइट को रिप्रेजेंट करता है। लाइट जो है वो सच को रिप्रेजेंट कर रही है और अंधेरा जो है वो झूठ को दर्शाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, सच की भी है और झूठ की भी है, बट आपको अपनी इनर वॉइस, अपनी सबकॉन्शियस की वॉइस को सुनना चाहिए जो रानी के रूप में दिखाई दे रही है। आप पिक्चर में देखेंगे कि रानी के हाथ में एक बुक है जो बंद है, जिसका अर्थ है कि उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो आपको बताना चाहती है। जब यह कार्ड अपराइट यानी कि रीडिंग में सीधा आ जाए तो ये बुद्धिमता को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। रानी का जो क्राउन है वो बहुत ही सिंपल है। उसके ऊपर ये जो बॉल टाइप की आकृति नज़र आ रही है, ये उसकी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक और दैविक शक्तियों को दर्शाती है। हाई प्रिस्टिस में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। इसका अर्थ ये है कि जब रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इसका मीनिंग है कि आपके नज़दीक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मुश्किल परिस्थिति में आपके बचाव में आ सकता है। यह कार्ड आपके आसपास के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स पर आपका ध्यान ले जाने की ओर इशारा करता है। हाई प्रिस्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड की पिक्चर है जो यह रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर, आपके इनर कॉन्शियस और आप में सिर्फ छोटा सा पर्दा या छोटा सा ही अंतर है, जिसे दूर करके आपको अपने अंदर देखना है। अंदर के परमात्मा को पहचानने के लिए अब दूरी बहुत बड़ी नहीं है। ये पिक्चर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि अब समय आ गया है, आप अपने अंदर देखें, अपने मन की आवाज़ सुने, वही परमात्मा की आवाज़ है। यही सीक्रेट को वो रिवील करना चाहती है। यह बात इस कार्ड की जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये परमात्मा तक आपको जोड़ने का काम करती है। आप पिक्चर में देखें कि रानी के लेफ्ट पैर के नीचे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि इस लेडी का इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। वो भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेती, इसलिए इस कार्ड को प्लैनेट मून यानी चंद्र ग्रह से भी जोड़ा जाता है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो हाँ या ना में हमसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो या किसी भी जगह का क्वेश्चन हो, तो हाँ या ना की स्थिति में यह कार्ड हमें क्या दर्शाता है इस बारे में जानते हैं। अगर ये कार्ड आता है तो हम यह कह सकते हैं कि वो अभी भी आपके मन में क्लियर नहीं है, जो क्वेश्चन है आप खुद में ही कंफ्यूज हैं। आपको ये कार्ड एडवाइस करता है कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या इनर माइंड के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर रीडिंग में द हाई प्रिस्टिस कार्ड रिवर्स्ड यानी कि उल्टा आ जाए तो उसका क्या अर्थ है। अगर यह कार्ड उल्टा आ जाए तो इसका अर्थ है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनते। आपको दूसरों के सुनी सुनाई बातों पर तो भरोसा है, परंतु खुद पर भरोसा नहीं है।
आपके लिए ये एक एडवाइस है कि आपको अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचान सकें। रिवर्स कार्ड ये भी बताता है कि जो आपकी सीक्रेटिव नेचर है वो नेगेटिव साइड की ओर जा रही है। आप अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना चाहते और आपका कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का हो गया है, इसलिए रिवर्स कार्ड को नेगेटिव ही माना जाता है। और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हाई प्रिस्टिस कार्ड का क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है। अपनी अगली वीडियो में मैं बात नेक्स्ट कार्ड की करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।